मुझे लगता है कि कोई कुछ भी कह ले, कर्नाटक में बहुत अच्छे बहुमत के साथ हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। और वहाँ पर भी इशू क्या है, वहाँ पर भी इशू करप्शन का है ना। कर्नाटक में जो भाजपा सरकार है, भाजपा की, उस पर 40% करप्शन कमीशन का आरोप हम सब लगा रहे हैं और लोग उस बात को यकीन उसका कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ राजस्थान में भी जो भाजपा के शासन में करप्शन हुआ था उसको उजागर करने का समय आ गया है और हम लोगों को पुख्ता उसकी जो हमने खुद अपने मुंह से कमिटमेंट किया है उस पर खरा उतरना पड़ेगा। सर वहाँ तो सरकार बन रही है लेकिन यहाँ बता दें कि सर्किल रिकॉर्ड के अंदर कुछ विधायक है, काफी विधायक है, मंत्री है, वो चुनाव आ रहे हैं। मैंने एक महीने मैंने डेढ़ साल से चिट्ठियाँ लिखी थी और उस समय के कार्यकाल में जो घपले आरोप हमने लगाए थे उस पर पुख्ता कार्रवाई के लिए मैंने आग्रह किया था। उसके बाद मैंने एक दिन का अनशन भी किया जयपुर के अंदर 11 अप्रैल को। बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इस पर कठोर कार्रवाई करें ताकि लोगों के मन में विश्वास रहे कि हम जो कहते हैं कर दिखाते हैं। और मैंने कभी नहीं कहा कि कोई मिलीभगत है, बेवजह लोग अपनी सफाई दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं मुझे पता नहीं, कभी दूध, कभी नींबू, कभी पानी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। मैं तो चाह रहा हूँ जो सच्चाई सामने आए, जो हमने आरोप लगाए थे उसकी, क्योंकि केंद्र सरकार पर भी हमें कम भरोसा है, इसलिए कोई सिटिंग या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज इसकी समयबद्ध तरीके से जांच कर तथ्य को सामने लेकर आए। सर लगता है कांग्रेस, मैंने तो कहा भाई देश में ऐसी कई जगह हैं जहाँ रेगिस्तान के इलाके थे जहाँ पर खनिज और तेल निकलने के बाद पूरा कायापलट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में और इस जिले के जो नौजवानों को प्राथमिकता मिले रोजगार में, ये हम सब चाहते हैं, यहाँ के लोग शिक्षित हों और जो अपार संभावनाएं हैं उस पर आगे बढ़कर उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को अब मिले। जो लड़के लड़कियाँ आज 18, 19, 20, 21 साल के हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हों। और मैंने बार बार कहा कि जो इशू है समाज में करप्शन का, उसके खिलाफ हम सबको मिलकर एकजुटता से मुकाबला करना पड़ेगा क्योंकि ये दीमक की तरह पूरे समाज और देश प्रदेश को खा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।